मशीन का यहाँ पे नया इंस्टॉल किया है। जस्ट मैं आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में दिखाता हूँ, कैसे कौन सी मशीन क्या काम, कैसे इंस्टॉल, कैसे काम करेगी। जैसा आप बैंडेज रोलिंग मशीन है, अभी जस्ट इंस्टॉल हुआ है, और इसका पूरा मैं प्रोसेस एक बार आपको दिखाता हूँ। पहले आप मशीन आपको एक बार आगे से पीछे तक पूरा डिटेल एक बार दिखा दूँ, कहाँ पे कैसे क्या लगता है इसमें। ठीक है सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जंबो रोल है, स्टैंड पे जंबो रोल लगाएंगे, और जंबो रोल इसमें जो स्टेनलेस स्टील का ये लगा हुआ है वायर, इस पर जिगजैग करके इसमें पूरा हम लोग लगाते हैं। ये वन बाई वन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाते हैं। ये आपका ट्रे लगा हुआ होता है, जिसमें आपका पेपर जो बैंडेज रोल के ऊपर जो पेपर लगाते हैं इस पे रख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख सकते हैं अपना पूरा। ये हम लोग सामने फ्रंट से आ गए। ये सामने जो मशीन है यहाँ पे ये गियर लगा हुआ होता है, जैसे इसको उठा के गियर को यहाँ पे मैं देखिए अभी पुश करता हूँ आपके सामने, ये गियर को उठाएंगे तो आपका ये देखिए ये रोल अपना उठेगा, और यहाँ पे एक स्लाइन लगी हुई होती है, ये स्लाइन लगा के अभी दिखाएंगे इसको। ये स्लाइन इसमें लगी होती है, इसमें बैंडेज रोलिंग होता है। अभी इसका पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे, लेकिन बारीकी से एक एक चीज़ में क्या क्या कैसे लगा रहता है। ये आपका ऑटो कटर मशीन है, ये पूरा आपका देखिए ऑटो कटर, ये पूरा सिस्टम से लगा हुआ होता है, ये ऑटो कटर होता है ये। अब इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे कटिंग करता है रोल को, और ये पूरा रोल बनाता है। यहाँ पे ये पेपर लगाते हैं, तो ये पुश बटन से पेपर आपका आगे पीछे होता है, रोल कहाँ पे जब बन जाएगा आपका रोल तो पुश बटन से फिर आगे पीछे जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पैनल की ओर। ये आपका पैनल है, इसको एक बार दिखाना चाहेंगे कि पैनल कैसे सेट करते हैं। जैसे हमको 3 मीटर का सपोज अपना रोल बनाना है, तो ये हम लोग जाएंगे सेट पे, तो 3 मीटर का लगाना है तो यहाँ पे, लेकिन हमको 2.7 पे या 2.8 पे सेट करना है, क्योंकि जो 0.3 मीटर बचता है कपड़ा वो एक्चुअल में कुछ आगे पे हम लोग लेते हैं और कुछ पीछे से लेते हैं, तो जिससे ये पूरा 3 मीटर कम्प्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे ये सेट कर देंगे, ये सेट कर दिए, ये पूरा आपका बटन पूरा ये सेट हो गया, ये कंप्लीट पूरा पैनल सेट है। अब आप इसको पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं भैया। चलिए लगाइए रोल, इसमें दिखाइए रोल बना के कैसे रोल बनता है। ये इधर से जंबो रोल से ये देखिए पूरा ये कपड़ा यहाँ से जिगजैग हो के ये जंबो रोल से ये गया कपड़ा, और ये जो स्लाइन अभी दिखा रहे थे ये देखिए प्रेस किए, ये प्रेस किए, ये आपका उठा, ये उठाएंगे, हाँ उठाइए सलिए को, ये सलिया उठा, और इसको आगे और करिए, ये सलिए को वहाँ रखिए रखिए, ठीक है, और थोड़ा सा कपड़े को चलिए उठाइए वहां से, हाँ मुड़िए, ये कपड़े को थोड़ा सा ये मोड़ दिए, ये इतना कपड़ा जो भी 2.7 की जो बात कर रहे थे, तो इतने कपड़े ये मोड़ के इसको रख दिए। चलिए ठीक है रखिए रखिए उसको, छोड़िए इसको ये। अब यहाँ से ये स्टार्ट बटन देखिए अभी पुश करेंगे, स्टार्ट बटन ये देखिए पुश करेंगे, ये लाइट जल गई, आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इससे स्पीड करेंगे कि हम कितने स्पीड में क्या कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए और ये देखिए आपका रोल स्टार्ट हो गया बनना। ये देखिए रोल पूरा, और यहाँ पे अपना ये अभी स्पीड थोड़ा सॉरी इसको बढ़ा सकते हैं आप चाहें जितना भी आपके स्पीड आपको बढ़ाना हो, ये रोल पूरा आपका ऑटोमेटिक बन रहा है। जैसे ये 2.8 पे मैं अब पैनल पे आता हूँ फिर से, जैसे 2.7 जो आपने 2.8 सेट किया है, जैसे ही आएगी मशीन अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ये देखिए 2.4 2.6 एंड 2.8 ये मशीन रुक गई, और ये रोल देखिए आपका कंप्यूटर रोल देखिए आपका बना हुआ है। अब ये जो कटिंग मशीन है इसमें एक बटन लगा हुआ होता है, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये बटन लगा हुआ है, इस बटन को जैसे ही पुश करेंगे ये आपका मशीन ऑन हो जाएगा, और जितनी बार कटिंग करते थे यहाँ पे काउंट भी करता है कि कितनी बार आपकी ये कटिंग की है आपने। ये देखिए जैसे ही ऑन किए ये स्टार्ट हो गया,
ये बेहतरीन कटिंग देखिए आप होके और ऑटोमेटिक ये वापस आ गया। अब इसकी कटिंग की आप थोड़ा सा प्रोसेस देखें, साथ ही इसकी क्वालिटी देखिए, शानदार कटिंग हुई है। अब यहाँ से इस आपके नीचे जो कटिंग होके गिरा है ये पूरा देखिए आपका बेहतरीन, कहीं भी कोई रेसा आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे अभी क्या है, एक्चुअल में पेपर अवेलेबल नहीं है, अभी जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, तो मैं पेपर ना हो तो यहाँ पे पुश करके ये मैं दिखाता हूँ। ये जैसे पुश करूँगा ये देखिए आपका ये पूरा पेपर लिपटने का काम होता है इसमें। ओके, अब इसको निकालिए सर, यह थोड़ा सा ये आपका रोल सलिया से निकाला है। ये यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा हुआ होता है, इसको धीरे से एकदम आसानी से ये देखिए बेहतरीन आसानी से ये पूरा कस करके ये आपका रोल निकल गया। अब इस रोल को कट करते हैं, कैसे कटिंग होती है। ये आपका सिंगल ब्लेड कटिंग मशीन है, एक्चुअल में 4 ब्लेड 3 ब्लेड 10 ब्लेड 11 14 ब्लेड तक आता है। यहाँ पे जो रोल अभी हम लोग बना के आए हैं, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में ये सेटिंग का है कि कितने इंच का रखना है, मतलब इस ब्लेड से लेके ये जो ब्लेड है आपका दिख रहा है, ये ब्लेड से लेके इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अभी इनका जो रिक्वायरमेंट है ये 4 मीटर का है, 4 सेंटीमीटर का ये अपना ये रनर रखा है। अब यहाँ से ये बटन इसको ये स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इनका ये ब्लेड स्टार्ट हो गया। अब ये कटिंग देखिए करके दिखाते हैं दो एक साथ करके, ये देखिए बेस्ट क्वालिटी का ये, यस शानदार कटिंग होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की कटिंग, मतलब और स्पीड के साथ में इसमें 3 रोल 4 रोल 2 रोल जो भी चाहे तो आप इकट्ठा कटिंग कर सकते हैं। ये स्मूथली बिल्कुल चलती है, स्मूथ के साथ बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं, कोई एकदम एक उंगली से इसको पुश करते हैं, एक उंगली से पुश करेंगे, ये देखिए Thank you.